ये फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हम पेज कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में। तो फटाफट बढ़ते हैं। तो आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और पेज नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा। बहुत इजी है, अगर टॉप पे आप देना चाहते हो, ठीक है, ये टॉप है, ठीक है, ठीक है, टॉप में देना चाहते हो तो ऐसे, साइड में अगर देना है तब तो ठीक है पेज नंबर, अगर आप बीच में देना चाहते हो तो बीच में दे सकते हो, सेंटर में, और यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, अगर आपको सेंटर में देना है दे सकते हो। यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब नीचे जो पेजेस है उनमें ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 ऑटोमेटिकली नंबर आ गया। देखा हमने, आपने कुछ वापस से तो किया नहीं कुछ, ठीक है। अब आप चाहते हो इसको हटाना तो हटा सकते हो, इसको स्पेस से हटाना पड़ेगा, बैक स्पेस से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप पेज नंबर कोई अलग स्टाइल में देना चाहते हो तो पेज नंबर टॉप में गए, ठीक है, तो इसमें 1 पेज कर सकते हैं, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप ऐसा देख रखना चाहते हो या ऐसे बीच में रखना चाहते हो या फिर कोने में, ठीक है, जैसे मैं कोने में रखना चाहता हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली नीचे 2 पे आ जाएगा, 2 पेज आपने इंसर्ट तो किया नहीं, जितने पेजेस होंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं, बस फर्स्ट पेज पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट करूं दूसरा, ठीक है, मैं आपको सब नहीं बताऊंगा नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसमें बहुत सारे हैं तो मैं एक एक बताता रहूंगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक और बता देता हूं, जैसे page 1 of 1, ठीक है। अब ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3 है और अभी जो मैंने ओपन किया है 1 है पेज, ठीक है ना। अब नीचे देखना, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3 है और उसमें से पेज कौन सा खुला हुआ है, 2। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 3 है और कौन सा पेज खुला हुआ है, 3। तो ये ऐसे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हो इसको बीच में लेना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक कर दो और इंसर्ट, इस पर होम पे जाओ और इसको बीच में रख दो, ठीक है। तो ये ऐसे इंसर्ट होता है फ्रेंड्स। पेज नंबर इंसर्ट करना बहुत ईजी है, कोई है नहीं इसमें। अगर आप टॉप में नहीं रखना चाहते हो, बॉटम में रखना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बॉटम ऑफ पेज, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको वहीं पे जाना है, ये बॉटम है पेज का, बीच में रखना है, साइड में रखना है, देख लेना यहाँ पे अलाइनमेंट है ये, ठीक है, ठीक है, 1 और यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी वीडियो है, छोटा सा काम है, बहुत ईजी है। और जैसे आपको इसको हटाना है कि यार नहीं मेरे को ये वाला यहाँ पे नहीं रखना है पेज, तो इसको बैक स्पेस है, बैक स्पेस दबा देना, यहाँ पे क्लिक करना है इस पर और इस पर बैक स्पेस दबा देना आगे और यहाँ पे वापस से क्लिक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंसर्ट पे जाना, पेज नंबर पे जाना, बॉटम पे जाना और बॉटम पे कोई भी पेज दे देना, जैसे ये है आपने ये दे दिया, और फिर होम पे जाना, होम पे जैसे अलाइनमेंट दे देना कोई भी, आप बीच में रखना चाहते हो, आप साइड में, जैसे आप साइड में रखना चाहते हो, और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना, आ गया page 1 page 2 page 3। तो ये छोटा सा है पॉइंट और ऐसे ही पेज इंसर्ट होते हैं, बाकी कोई ऐसा है नहीं इसमें। बस ये जो मैंने वीडियो में बताया वो लर्न कर लेना, पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।